दोस्तों, अभी तक तो हमने देखा कि श्रामोनियम इन चीज़ों से डरता है, कई तरह की चीज़ों से डरता है, लेकिन अब थोड़ा सा उसका एक दूसरा रूप देखते हैं। श्रामोनियम वॉयलेंट है, उग्र है। उग्रता भी एक्सट्रीम तक ही है, यानी ये उतना उग्र हो सकता है कि किसी की जान ले सकता है। उसे जो चीज़ें तकलीफ देती हैं या जिन चीज़ों से वो डरता है, घबराता है, उनको वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट ख़त्म करना चाहता है। सो देयर इज इम्पल्स टू किल। वो चाहे बीमारी हो या कोई भी सिचुएशन ऐसा हो जिससे वो टेरिफाई होता है, फिर से कह रहा हूँ टेरिफाई सिचुएशन, या जो सिचुएशन उसे तकलीफ दे रही है उसे वो परमानेंट खत्म करना चाहता है, टोटल। दैट इज वाई श्रामोनियम में हम देखेंगे कि देयर इज किल डिजायर टू। एक बात और बताना चाहता हूँ श्रामोनियम के बारे में, वो अनइजी हो जाता है या डिसकंफर्ट में चला जाता है जब वो फैमिलियर जगह पे नहीं होता, यानी स्ट्रेंज प्लेस, स्ट्रेंज पर्सन या स्ट्रेंज सिचुएशन, ये तीनों चीज उसके कंप्लेंट्स बढ़ा देते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि श्रामोनियम जो है वो फैमिलियर जगह पे ही रहना चाहता है या फैमिलियर लोगों के साथ ही रहना चाहता है। एक और है श्रामोनियम का सिम्टम, फियर ऑफ पावर्टी, गरीबी का डर। मैंने अपने प्रैक्टिस में अक्सर देखा है, क्योंकि मैं पूछते रहता हूँ आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। फियर ऑफ पावर्टी यानी गरीबी का डर, गरीबी शारीरिक भी हो सकती है, आर्थिक भी, भौतिक भी, आध्यात्मिक भी। तो मैंने देखा है कि जिन श्रामोनियम पेशेंट को फियर ऑफ पावर, गरीबी का डर है, उन्हें मैंने अक्सर देखा है पैसे कमाने के पीछे, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड रहना चाहता है, थियोराइजिंग है, इसकी कल्पना शक्ति भयंकर है, तो कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचते रहता है। या समझिए जिसको चाहिए वो या तो पॉलिटिक्स में चला जाता है या पुलिस में चला जाता है या किसी को लगता है। देन एक और लक्षण है श्रामोनियम का, सेल्वेशन, मोक्ष चाहिए रहता है। और मोक्ष रोग से हो, सिचुएशन से हो, किसी भी तरह से हो सकता है मोक्ष। अगर उसे लग रहा है कि मेरी आत्मा को मोक्ष मिलना चाहिए तो अध्यात्म की तरफ चला जाता है। वहाँ भी मैंने कुछ अलग से सिम्टम्स श्रामोनियम के देखे हैं कि जैसे चार लोग हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ढंग से बात करता है। जैसे आप डॉक्टर सब बैठे हुए हैं तो वहाँ पे वो रुद्राक्ष की बात करने लगेगा, या फिर मोक्ष कैसे मिलता है, यानी जो उस समय जो लैंग्वेज फैमिलियर है, मेडिकल लैंग्वेज, उससे हट के दूसरे लैंग्वेज में बात करने लगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि श्रामोनियम कभी कभी फॉरेन लैंग्वेज में बात करता है, वो लैंग्वेज जो वहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए फॉरेन हो। कुंडलिनी जागृत करना, अभी कॉमर्स का बच्चा है, उसके साथ अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू, आपको क्या पता है कुंडलिनी के बारे में, तो उसका उसके लिए वो लैंग्वेज फॉरेन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रामोनियम फॉरेन लैंग्वेज में बात करेगा, फ्रेंच में बात करेगा या किसी और लैंग्वेज में। उसको हम आम भाषा में ऐसे ले सकते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज में, हमें रेपर्टरी के जो चीज़ें हैं उसे तोड़ के अपनी भाषा में जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक होम्योपैथिक ड्रग्स को समझना बड़ा मुश्किल है। एक और सिम्टम है डिजायर टू बी नेकेड, वस्त्रहीन। वस्त्रहीन से मतलब है जब वो डरता है तो वो चाहता है कि मैं सारी चीज़ें बता दूं ताकि इस डर से मुझे निजात मिले। वो अपने सारे सीक्रेट उस समय निकाल देता है। जैसे अभी भूत से डर गया तो बोलेगा साहब मनी जितनी सीक्रेट है उस समय उससे पूछ लो, आप सब बता देगा वो। तो इसको हम लोग इंटरप्रिटेट करके ले सकते हैं डिजायर टू बी नेकेड व्हेन देयर इज टेरिफाइंग स्टेज।
इसके कंप्लेंट्स पेनलेस होते हैं। अब कोई बच्चा जंगल में है, वो किसी भूत से या किसी जानवर से डर गया, या कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है, वो भागते जा रहा है। कई बार हमने देखा है, हमारे साथ भी ये हुआ है कि कुत्ता पीछे पड़ गया, भागे, घर जाके पता चला कि अरे मेरे उंगलियों में चोट आई है, लेकिन उस समय वो पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो फिजिकल यानी जो शारीरिक चोट है उससे ज़्यादा हमें मानसिक जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो टेरिफाइंग वाला स्टेज ना बहुत इतना ज़्यादा होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमें चोट लगी है। तो इसलिए हम स्टामोनियम को देखेंगे कि उसके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, लेकिन वो पेन नहीं है उसमें। उसके कंप्लेंट्स बहुत सारे हैं, आँखों में इन्फ्लेमेशन है, बट कंप्लेंट्स आर पेनलेस। तो इस तरह से हमें रेपर्टरी को तोड़ के अपनी भाषा में उसे चेंज करके पेशेंट को देखना पड़ेगा, तभी हम होम्योपैथिक कर सकते हैं। थैंक यू। स्ट्रामोनियम दवा से मैंने एक स्किन का केस ठीक किया है, जो मैं फोटो आपको आगे दिखाऊंगा, वो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।